व्हाट्स प्लान बेबी, हैप्पी बर्थडे इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह, रिंकू भैया। तो गाइस आज है रिंकू सिंह का बर्थडे, मतलब हमारे रिंकू भैया का बर्थडे। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा और एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जो शायद मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है। आप देख रहे होंगे टी शर्ट पहना हूं मैं केकेआर की, ये केकेआर की टी शर्ट कुछ खास है मेरे लिए। वो क्या खास है, ये उनसे रिलेटेड है। क्या हुआ था उस दिन जब ये टी शर्ट उन्होंने मुझे दी थी, पूरा किस्सा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उनके बर्थडे पे स्पेशली मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो कि अब तक ये किस्सा मैंने किसी को नहीं बताया क्या हुआ था उस दिन जब ये टी शर्ट दी। और देख सकते हैं, मतलब इसमें भैया ने ऑटोग्राफ भी दी है। देखो अब देख सकते हैं, पूरा पीछे भैया की टी शर्ट है और भैया ने ऑटोग्राफ दिए इस पर, बेस्ट विशेज अर्पित। तो मैं आपको बता दूं कि बने रहिए इस वीडियो में, पूरा देखिए कि क्या हुआ था जब। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है इस वीडियो में एंड आप सबकी तरफ से बोल दे रहा हूँ हैप्पी बर्थडे रिंकू भैया। आप ऐसे ही चौके छक्के लगाते रहिए, खेलते रहिए और टीम को जिताते रहिए। अब शुरू करते हैं वीडियो को। अक्सर भैया जब भी आते हैं तो हम भैया से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, काफी मस्ती करते हैं। तो एक दिन भैया आए हुए थे तो हम सब लोग बैठे थे, मतलब मैं, सोनू भैया वगैरह काफी लोग बैठे थे। तो भैया अपने मतलब कपड़े वगैरह निकाल रहे थे, मैंने रूम में बैठा हुआ था, मतलब काफी कुछ और भी लोग थे जिनको भैया ने टी शर्ट वगैरह दी एंड परिवार के मेंबर्स को काफी चीजें दी भैया जो लेके आए थे उनके लिए। मैं आराम से रूम में बैठा हुआ था, मतलब कहते हैं कि मैं फैन मोमेंट क्या है, मतलब वो बताता हूँ मैं अपना, क्योंकि भैया हैं मतलब एक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं भैया को, लेकिन फैन मैं उनका फैन बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि शुरू से जब से मैं उन्हें देखता हूँ खेलता हुआ देख रहा हूँ। एक अलीगढ़ के बहुत अच्छे सितारे, एक इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम उन्हें जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा मोमेंट है। तो मैं अंदर रूम में बैठा हुआ था तो भैया ने ज्यादातर सबको दे दी टी शर्ट, किसी को लोअर दी, किसी को शॉर्ट्स दिया, किसी को कुछ, मतलब काफी चीजें दी। मैं अंदर बैठा हुआ क्योंकि सब परिवार के मेंबर थे। ये किस्सा मतलब मैं अब तक शेयर नहीं करना चाह रहा था किसी से, लेकिन मैं सच में जो मेरे लिए मोमेंट था मैं बताऊं मैं। तो फिर अचानक से भैया ने बुलाया, ये जब जब किया तब भैया ने पहली बार, मेरे पास तो भैया देते रहते हैं कुछ ना कुछ जब भी लाते हैं, तो भैया ने बुलाया अर्पित भाई आओ आप इधर आओ। तो फिर भैया ने बुला के ये मेरे को टी शर्ट दी, मैंने कहा मेरे लिए, कि हाँ ये तुम्हारे लिए। मैं बता नहीं सकता मैं उस टाइम कितना खुश था, सीरियसली, मतलब कई चीज हैं ऐसी जो मतलब मुझे कनेक्ट करती हैं उनसे, मतलब उनके जो डाउन टू अर्थ होना, उनका वो सुकून, एक कह सकते हैं कूल रहना उनका। और मैं आज उनके बर्थडे पे बोल दे रहा हूं कि इंडिया के फ्यूचर के कैप्टन है वो, इंडियन टीम के। और आज बर्थडे पे जब ये मैं मतलब आपको ये किस्सा बता रहा हूँ, एक और मतलब मोमेंट घटा था उस टाइम जब मुझे ये टी शर्ट मिली। एक बंदा था जो उनका बहुत बड़ा फैन है, मेरा दोस्त है, उसका नाम भी चलो बता दे रहा हूँ, प्रबल शर्मा, जो आप देखा होगा आपने मेरे साथ कभी। वो मैं बहुत दिन से कह रहा था मुझे भैया से मिलना है, मुझे भैया से मिलना है, मुझे भैया से मिलना है। मैंने कोई नहीं मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं, भैया तो सबसे मिलते हैं, भैया किसी से मिलने की मना नहीं करते, भाई आते हैं वो, आप सब मिल सकते हैं उनसे। तो अचानक से ऐसा मोमेंट बना, पहले भैया के साथ उसका फोटो कराया हमने, फिर अचानक से घर जाने का मौका लगा, वो मेरे साथ ही आ गया। मैंने चल घर चलते हैं, सोनू भैया ने बोला घर ले चलो, कोई नहीं बैठेंगे। तो वहां बैठे तो मुझे तो एक टी शर्ट दी भैया ने, उसको मतलब एक उसके लिए कितना आके भैया के पास बैठा, बातें की एंड कोई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। उस वो बंदा पहली बार मिल रहा है उनसे, मतलब हम तो मिलते रहते हैं बैठते रहते हैं, वो बंदा पहली बार मिल रहा है और इतना अच्छे से उसके संग, मतलब कि कितने दिनों से जानते हैं, ये है रिंकू सिंह। और उसको टी शर्ट दी, लोअर दी और शॉर्ट्स दिया, तीन चीज दी उसको, उसके बाद में ऑटोग्राफ भी दिए। और गाइस मैं ये टी शर्ट पहनने वाला नहीं था क्योंकि मैं इसे फ्रेम करवाऊंगा, लेकिन आज के दिन मेरा मन था कि इस टी शर्ट को पहन के वीडियो बनाऊं मैं। तो ये मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट थी रिंकू भैया की तरफ से, और ये मैं हमेशा, अभी कुछ दिनों में मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगा जिसको फ्रेम करके लगाऊंगा मैं, बहुत, क्योंकि इसको संभाल के रखूंगा, क्योंकि भैया की तरफ से गिफ्ट है, एक स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए। आप देख सकते हैं पूरा पीछे लिखा हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं, ये बेस्ट मैसेज अर्पित और नीचे भैया के ऑटोग्राफ है। तो मतलब एक फैन के लिए और उससे ज्यादा क्या हो सकता है। और मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, क्रिकेट जो देखते हैं, जो फैन है, मतलब जो क्रिकेट
क्रिकेटर्स के फैंस होते हैं उनसे पूछिए इस मूवमेंट की बात। एंड इस टी शर्ट के लिए भैया आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच भैया जी, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। ऐसे खेलते रहिए और टीम को जिताते रहिए और चौके छक्के लगाइए। और आज भी आपका मैच है तो आज के मैच के लिए बधाई देना चाहूंगा। आज T20 का इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का तीसरा T20 मैच है, तो आप खेलिए और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दीजिए। तो गाइस उम्मीद है आपको ये मेरी जो स्टोरी है, मतलब एक किस्सा जो भैया के साथ हम हुआ हमारे साथ, वो अच्छा लगा होगा। एक फैन मूवमेंट हमारा इस टी शर्ट का, एक हमारे साथ का, जो मैंने भैया के बर्थडे पर खोला। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।